क्या बात है। हॉस्पिटल से जब से आई हो चुप चुप हो, कुछ बोल नहीं रही हो। सब खैरियत तो है ना? तुमने कुछ पूछा ही नहीं मुझसे, तो क्या बताती? अगर जानना चाहते हो, मेरे बाबा हॉस्पिटल में हैं। क्या ज्यादा चोटें लगी हैं? सिर्फ इतनी ही के वो सारी उम्र अपने पैरों पे नहीं चल सकते। अच्छा, मुझे पता नहीं था ये सब। क्या पता नहीं था? वो हॉस्पिटल में है, यही वजह काफी नहीं थी उनका अफसोस करने के लिए। अगर तुम क्यों आते? क्योंकि इस घर के सारे लोग किसी बड़ी खबर के इंतजार में होंगे। वापसी आते हुए मेरा हर कदम सौ सौ मन भारी था। असुलन तो मुझे वहां रुकना चाहिए था, मगर मुझे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक लड़की की शादी के बाद सारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने ससुराल के लिए होनी चाहिए, ये सुबह बताकर भेजा गया था मुझे। उसके बावजूद तुमने अपनी मर्जी तो की थी ना? अगर तुम घर से निकलने से पहले अम्मी अब्बू को एतमाद में ले लेती या उन्हें बता देती अपने बाबा के एक्सीडेंट के बारे में, तो शायद मैं आ जाता। मुनीप, मेरा मुंह मत खुलवाए। क्या मतलब मैं तुम्हारा मुंह ना खुलवाऊं? क्या कहना चाहती हो? बोलो, क्या कहना चाहती हो? जाकर अपने बाबा से पूछें, खुद सारा सच मालूम हो जाएगा। क्या पूछूं, क्या सच मालूम हो जाएगा? जाकर पूछें अपने बाबा से, कल रात मेरे घर से कॉल नहीं आई थी? मैंने ना तुम्हें बताया और ना मुझे बताया। मैं तो वहां के हालात से बेखबर रहती। अगर अनाया ने मुझे कॉल करके ना बताया होता, मुझे तो मालूम ही ना होता कि क्या कहा गया आपसे। मुनीब, मेरे बाबा आपकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि आप उनके बड़े दामाद हैं और दामाद बेटे की जगह होता है। बाबा ने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। अगर तुम थोड़ी देर के लिए उनसे हॉस्पिटल में मिलने आ जाते, उनका दिल कितना बड़ा हो जाता। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रही मुनीब, मगर ये भी सच है, तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है, इसलिए तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। तुम्हें किसी की भी फीलिंग्स का एहसास नहीं होता मुनीब। मैं तुम्हें नहीं बता सकती मैं इस वक्त किस तकलीफ में हूं। मुनीब,